हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आज GTA इंडिया के ऊपर है, ठीक है। दोस्तों GTA इंडिया कोई ऑफिशियल ऐप नहीं है, बल्कि वो एक मोड एपी के, यानी आप सिवाल जैसे या हम सिवाल जैसे नहीं, किसी ने बनाया है, ठीक है। तो आप भी ऐसा गेम बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कैसे बनाएं GTA इंडिया का जैसा मोड, तो इस वीडियो पे कम से कम 150 लाइक मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप GTA इंडिया के जैसा गेम बना सकते हो अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ही, ठीक है। उसमें गाड़ी चेंज कर सकते हो, सड़क चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट GTA इंडिया दोस्तों मेरे फ़ोन में वर्क नहीं करता है, तो मैं GTA इंडिया तो नहीं चलाऊँगा, पर आपको बता दे रहा हूँ कि आप GTA इंडिया कैसे डाउनलोड करें, ताकि आपके फ़ोन में चल भी सकता है, नहीं भी चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि डाटा वेस्ट करना ही है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मेरे फ़ोन में वो वर्क नहीं कर रहा है, क्या पता आपके फ़ोन में कर जाए, क्योंकि किसी किसी के फ़ोन में ही वो वर्क करता है, किसी के में नहीं करता, ठीक है दोस्तों। तो मुझे वैसे GTA San Andreas ही पसंद है, क्योंकि उसके ग्राफिक्स GTA इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है। और ये GTA San Andreas का ही एक मोड वर्जन है। तो इसके लिए आपको एक APK फाइल चाहिए, जो कि है GTA San Andreas के नाम से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो दोस्तों ये एक लाइट वर्जन है, ठीक है। ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में GTA San Andreas की ये APK फाइल के साथ साथ में एक आपको एक ZIP फाइल मिलेंगी, दो, एक GTA इंडिया के नाम से मिलेगी और एक GTA की, मतलब ऑफिशियल जो साइट, वो ऑफिशियल जो फाइल है वो भी, ठीक है, एक वो मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए GTA San Andreas पूरा गेम है, तो आपको OBB फाइल बिल्कुल भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास GTA का पूरा गेम नहीं है, मतलब San Andreas का, तो आपको OBB फाइल भी ज़रूर डाउनलोड करनी पड़ेगी, बिना उसके वो गेम पर काम नहीं करेगा। और दूसरा APK ये डालना है आपने, Jet Archiver, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ दोस्तों, और मैंने जो फाइलें हैं दोनों डाउनलोड की हुई, यानी मैं GTA San Andreas मेरे पास था, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ UC डाउनलोड में मैंने डाउनलोड की हुई है। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर com.rockstargames, तो ये मेरी OBB फाइल है, जो कि 1.5 GB के करीब यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और एक GTA इंडिया बाय FJ टेक्निकल, तो ये इस चैनल से मैंने GTA इंडिया की ये ZIP फाइल डाउनलोड की है, ठीक है। तो ये दोनों ही फाइल है, ठीक है। तो मैं पहले ये GTA इंडिया वाली फाइल आपको बता दे रहा हूँ, ये आपने एक्सट्रैक्ट करनी है, तो इस पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। अब आपने कैसे करनी है कि यहाँ पर दो बिंदी है, इन पर क्लिक करना है और एंड्रॉयड पर जाना है और डाटा पर जाना है। जो डाटा का फोल्डर है उसमें जाकर आप इसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करा, तो यहाँ पर पासवर्ड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो पासवर्ड आपने वहीं डालना है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है आपके सामने, ठीक है। तो यही पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने आप ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, बट मैं इसे एक्सट्रैक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोन में मेरे में काम नहीं करता, नहीं चलता, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रॉकस्टार गेम की जो, मतलब कई सारे मिशन कंप्लीट किए हुए हैं, वो मेरे बेकार हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए भी इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे फ़ोन में नहीं चलता, 100% नहीं चलता, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरी ये जो ZIP फाइल है रॉकस्टार गेम की, ये आपने OBB फोल्डर में करनी है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ही क्लिक करना है आपने और एक्सट्रैक्ट पर जाना है, दो बिंदी, एंड्रॉयड का फोल्डर और OBB फोल्डर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक फोल्डर आपको दिख रहा होगा कॉम रॉकस्टार गेम का, तो ये ऑलरेडी मेरे में एक्सट्रैक्ट है। तो दोस्तों ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद फिर आप सीधा APK फाइल को इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपना गेम प्ले कर लीजिएगा। तो गेम प्ले में बता दे रहा हूँ आपने क्या करना है, बिल्कुल भी गलती मत कर देना, ठीक है। अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन करता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक रिज्यूम का ऑप्शन आ सकता है आपके फ़ोन में भी, ठीक है। अगर रिज्यूम का ऑप्शन आ जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जो रिज्यूम आ रहा है तो ठीक है चल जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है। ध्यान रखिए न्यू गेम पर मत कर दीजिएगा, जैसे कि न्यू गेम आया, यहाँ पर एक लोड गेम का ऑप्शन आ रहा है, आपने लोड गेम पर जाना है, न्यू गेम पर बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, वरना गेम पूरा क्रैश है, यानी फिर से GTA San Andreas ही चलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से कोई सी भी, मतलब मिशन आप सिलेक्ट करके GTA इंडिया प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो आप जान सकें कि GTA इंडिया यानी काफ़ी सारे मिशंस आपको जो San Andreas वाले वो तो हुए हाई मिलेंगे ही, इसमें ऑब्वियसली वो तो मिलने ही हैं जो कि San Andreas वाले मिशन है,
यानी आप शुरू से वो मिशन नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो यही चक्कर है दोस्तों, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जीटी इंडिया ना ही खेले तो बेस्ट है, डाटा वेस्ट करना, क्योंकि आपके फ़ोन में वो चले या ना चले उसकी कोई गारंटी नहीं है। 200-300 MB वेस्ट हो जाएंगे, ऊपर से उसके ग्राफिक्स इतने बकवास हैं बिल्कुल ज़्यादा। आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे सैन एंड्रियास के ग्राफिक्स कितने बढ़िया हैं। तो दोस्तों ये अटकता सा दिख रहा है गेम, तो ये मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर की दिक्कत है कि ये गेम आपको अटकता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बाकी गेम बिल्कुल भी नहीं अटकता है, मेरे फ़ोन में बिल्कुल नहीं अटक रहा है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी गेम अटक नहीं रहा है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर की प्रॉब्लम है कि आपको गेम अटकता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो पर 150 लाइक करिए और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद नहीं है ये तो अनलाइक ज़रूर करें, ठीक है। आगे मैं बताऊँगा आपको।